please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कर्नाटक में वो दिन अब दूर नहीं जब जनता बटन दबाकर हार जीत का फैसला कर देगी। इसीलिए कर्नाटक चुनाव की बिसात पर सियासी मोहरों की चाल तेज हो चुकी है। तय है कि कर्नाटक विधानसभा की सड़क धर्म को औजार बनाकर तैयार की जा रही है और इसीलिए कर्नाटक के रण में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ भी ताल ठोक रहे हैं। कर्नाटक में योगी की धमक ने कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। गोरखपुर से 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक में योगी इन दिनों जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके प्रचार का आधार है धर्म, नाथ संप्रदाय और सांस्कृतिक जुड़ाव। मुझे सामने महायोगी भगवान गोरखनाथ जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है। महायोगी भगवान गोरखनाथ जी का कर्नाटक में आगमन और कर्नाटक में भगवान मंजुनाथ के रूप में उनका पूजन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भगवान मंजुनाथ की परंपरा ये भगवान गोरखनाथ की ही परंपरा है। लिंगायत समुदाय से हुए वोट बैंक के नुकसान की भरपाई के लिए भाजपा ने एक रास्ता निकाल लिया है और उस रास्ते को साधने के लिए योगी आदित्यनाथ को जरिया बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ, जिनका वैसे देखने में आपको कर्नाटक से कोई बड़ा कनेक्शन नहीं लगेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ का गहरा कनेक्शन है कर्नाटक के साथ, क्योंकि यहाँ के नाथ संप्रदाय और गोरखपुर के नाथ संप्रदाय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूं तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, लेकिन कर्नाटक में नाथ संप्रदाय के अनुयायी उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक में तारणहार बनाकर उतारा गया है। पूरे देश में नाथ संप्रदाय से जुड़े लगभग 8000 मठ हैं, जिनमें से 80 मठ कर्नाटक में हैं। आदि चुनचुनगिरी मठ मैसूर का सबसे बड़ा नाथ संप्रदाय का मठ है। आदि चुनचुनगिरी मठ में कर्नाटक की आबादी के 27% वोकालिगा समुदाय की गहरी आस्था है। मैसूर और बेंगलुरु समेत आसपास के 10 जिलों में बड़ा वोट बैंक इससे जुड़ा है। न्यूज 18 इंडिया की टीम मैसूर के इस विशाल मठ में पहुंची। ये आदि चुनचुनगिरी मठ का मुख्य मंदिर है, जो कि 1050 साल पुराना है और उस पर अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसमें दक्षिण भारत की साफ साफ झलक नजर आती है। हम आपको इस मंदिर के अंदर लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या क्या इस मंदिर की खासियत है और क्यों इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। बेंगलुरु और मैंगलुरु को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 48 पर ये विशाल मठ है। कर्नाटक की राजनीति मठों से प्रभावित रही है। लिंगायत मठों का ही प्रभाव था कि बीजेपी पहली बार 2008 में दक्षिण के द्वार पर अपना परचम फहरा पाई थी। इसीलिए एक बार फिर मठों पर नजर है। नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े महंत योगी आदित्यनाथ हैं। आदि चुनचुनगिरी मठ का योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर मठ से गहरा नाता है। योगी आदित्यनाथ जिस गोरक्षपीठ के मठाधीश हैं, वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में है। यहाँ नाथ संप्रदाय के आदि गुरु गोरक्षनाथ की आराधना होती है। गोरखपुर मठ की तरह ही आदि चुनचुनगिरी मठ में गुरु गोरखनाथ की पूजा की जाती है। आदि चुनचुनगिरी मठ में जो उत्तर भारत के आर्किटेक्चर से जो मंदिर बनाया गया है, ये अपने आप में बेहद खास है और एक सीधा कनेक्शन है उत्तर भारत के साथ आदि चुनचुनगिरी मठ का। खास तौर पर यहाँ पर न सिर्फ उत्तर भारत के आर्किटेक्चर की झलक आपको नजर आएगी, बल्कि गोरखपुर मठ की झलक नजर आएगी, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनका जो मठ है वहां पर भी ठीक इसी तरीके से गोरखनाथ बाबा समाधि में लीन आपको नजर आएंगे। वही आर्किटेक्चर, उसी तरीके की यहां पर तमाम जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है।
आदि चुनचुनगिरी की पहाड़ियों में खड़े इस भव्य मठ का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ महादेव की गंगा धरीश्वर रूप की साधना होती है। रोजाना यहाँ करीब 1,00,000 श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव 1,050 साल पहले खुद यहाँ पर आए थे, साधना की थी और उसी के स्वरूप के लिए ये पूरा मंदिर बनाया गया, मठ बनाया गया। और उसी उत्सव को आप अगर देखें तो हर शनिवार की शाम को ये एक रथ बनाया गया है यहाँ पर, जिसको हर शनिवार की शाम को इस मंदिर के चारों तरफ घुमाया जाता है और एक उत्सव मनाया जाता है हर शनिवार की शाम को। ये तांबे से बनाया गया, ख़ास तौर पर इस पर जितने भी आप मूर्तियाँ देख रहे हैं ये सब तांबे से बनाई गई हैं। तांबे का पूरा रथ बना हुआ है ये, आप देखिए कि यहाँ पर भी आपको तांबे का मटेरियल साफ तौर पर नज़र आएगा। और उसके बाद रविवार की सुबह ऐसा ही एक उत्सव और मनाया जाता है जिसमें कि ये चांदी का रथ है। इस चांदी के रथ को मंदिर के चारों तरफ घुमाया जाता है। योगी आदित्यनाथ के नाथ संप्रदाय से जुड़ा ये मठ 166 एकड़ में फैला है। आदि चुनचुनगिरी की पहाड़ियों के बीच हरियाली में फैले इस मठ में भैरव के तमाम अवतारों को उकेरा गया है। इस मंदिर की सबसे खास बात ये कि यहाँ पर भैरव के 108 अवतारों को दिखाया गया है अलग अलग तरीके से। आप अगर यहाँ पर देखें तो खेचारा भैरव अवतार, यहाँ पर अगला आप अगर देखें तो चारा भैरव अवतार। ये इस तरीके से भैरव के 108 अवतार इस मंदिर के हर एक पिलर पर, जगह जगह पर अगर आप देखेंगे तो ये लगे हुए हैं। आप इसको अगर देखें तो रूरु भैरव अवतार, ये इस तरीके से 108 भैरव के अवतार जो इस मंदिर के हर पिलर पर लगे हैं। गोरखपुर के मठ की तरह ही आदि चुनचुनगिरी मठ भी कई परंपराओं को निभा रहा है। योगी आदित्यनाथ को मठ के भीतर पालतू पशुओं के साथ कई बार देखा गया है। गोरखपुर मठ की गौशाला में भी योगी नियमित तौर पर जाते रहे हैं। गोरखपुर मठ की तर्ज पर ही आदि चुनचुनगिरी मठ में भी कई तरह के जानवर पाले गए हैं। नाथ संप्रदाय में काल भैरव को भी पूजा जाता है, इसीलिए आदि चुनचुनगिरी मठ में उनका वाहन कहे जाने वाले श्वानों को भी खास जगह दी गई है। मठ में कई नस्लों के श्वान पाले गए हैं। इनकी खासियत ये है कि सुबह शाम होने वाली पूजा इनके बिना नहीं की जाती, इसीलिए आरती के वक्त इन सभी को यहाँ से निकाल कर मंदिर ले जाया जाता है, ताकि काल भैरव के वाहन सहित विधि विधान से आरती की जा सके। मठ में और भी कई तरह के पशु पक्षी पाले गए हैं। गोरखपुर की गोरक्ष पीठ की तरह ही यहाँ पर भी स्वामी जी को बहुत सारे पशु पक्षियों को पालने का शौक है। और उसी क्रम में आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे कबूतर हैं जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो अलग अलग रंग के बहुत सारे कबूतर यहाँ पर हैं। अगर आप इस तरफ अगर देखेंगे तो गौशाला भी यहाँ पर है। आपने देखा कि वहाँ बड़ी संख्या में जो श्वान हैं उनको यहाँ पर पाला जाता है। तो परंपरा लगभग वही है नाथ संप्रदाय की, जो गोरक्ष पीठ में गोरखपुर में है उत्तर प्रदेश में, वही परंपरा यहाँ पर है। आदि चुनचुनगिरी मठ पहले इतना भव्य और विशाल नहीं था। मठ की सामाजिक सक्रियता तो बहुत पुराने जमाने से है, लेकिन इस मठ की शुरुआत हुई थी एक छोटे से मंदिर से। कहा जाता है कि 1,000 साल पहले मठ का असली स्वरूप सिर्फ यही मंदिर था। आदि चुनचुनगिरी मठ का ये मंदिर 1,050 साल पुराना है, लेकिन पूरा मंदिर 1,050 साल पहले ऐसा नहीं था। ये जो मुख्य मंदिर है जो काले रंग में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये मुख्य मंदिर है जो कि ओरिजिनल है, 1,050 साल पुराना है। और इसके आसपास का जितना पत्थरों से बना हुआ वाइट या ग्रे कलर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बाद में बनाया गया मंदिर है। इसको विशालकाय मंदिर की शक्ल बाद में दे दी गई, लेकिन जो मूल मंदिर है उसको भी इसी तरीके से यहाँ पर बचा करके रखा गया है। आज आदि चुनचुनगिरी मठ सिर्फ एक पूजा आराधना की जगह नहीं रह गया है। पूजा आराधना के अलावा इस मठ से परोपकार के बड़े काम किए जा रहे हैं। नाथ संप्रदाय के इस मठ की सामाजिक सक्रियता भी लाखों लोगों को इस मठ से जोड़ रही है, इसीलिए
बीजेपी को राज्य के नाथ संप्रदाय के इस सबसे बड़े केंद्र से बड़ी उम्मीदें हो चली है। नाथ संप्रदाय से जुड़ा आदि चिंचनागिरी मठ अपने आप में पॉलिटिकल भी खासी अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ आने वाले हजारों लाखों लोग जो दर्शनार्थी यहाँ पर पहुँचते हैं, जो मठ की मान्यता रखते हैं, जो मठ में मान्यता रखते हैं और जो यहाँ दर्शनों के लिए पहुँचते हैं, उसके अलावा भी ये मठ करीब करीब 480 इंस्टीट्यूट्स चलाता है, अलग अलग एजुकेशनल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट चलाता है, जहाँ पर हजारों लाखों स्टूडेंट्स शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं और हजारों स्टूडेंट्स अभी भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपको मठ में, हम इस वक्त खड़े हुए हैं मठ की बाउंड्री में, और यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसके चारों तरफ मठ के। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीएड कॉलेज है, उसके बगल में पीयू इंस्टीट्यूट है, उसके आगे अगर आप देखेंगे तो गर्ल्स हॉस्टल है, उसके ठीक पीछे ट्रैक स्टेडियम है, 4000 मीटर ट्रैक का स्टेडियम है, और अगर इधर ये देखेंगे जो नई बिल्डिंग आपको बनते हुए नज़र आ रही है सफ़ेद रंग की, ये एक बॉयज़ हॉस्टल है जहां पर 6000 बच्चों के रहने की फैसिलिटी है, और ये तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आदि चुनचुनगिरी मठ लिंगायत मठों की तरह ही कर्नाटक में शिक्षा के बड़े बड़े संस्थान चला रहा है। आदि चुनचुनगिरी शिक्षण ट्रस्ट के तहत मठ के शिक्षण संस्थान चलाए जाते हैं। इनमें पारंपरिक शिक्षा से लेकर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं। 2018 में मठ प्रबंधन ने एक यूनिवर्सिटी भी खोली है। यूनिवर्सिटी में मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी कॉलेज है। मठ की ओर से कर्नाटक में 485 शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं। इन शिक्षण संस्थानों से लाखों युवा जुड़े हुए हैं। हमारा यूनिवर्सिटी अभी वन ऑफ द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस इसमें है, वो मेडिकल कोर्सेज है, इंजीनियरिंग है, वो नर्सिंग है, फार्मेसी है, दूसरा जनरल साइंसेस ऑल्सो है। मठ से जुड़े इन संस्थानों में कई लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्हें बिना फीस के बेहतर पढ़ाई के मौके मिल रहे हैं। नाथ संप्रदाय के इस मठ में फॉर्मल एजुकेशन के साथ ही धर्म, कर्म और संस्कृत की शिक्षा भी दी जाती है। धार्मिक शिक्षा के लिए मठ में तपोवन नाम का एक संस्थान चलाया जाता है, जहां बटुक बनने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। यहां पर इन्हें वेदों की परंपरागत पढ़ाई कराई जाती है। आदि चुनचुनगिरी मठ की भव्यता जितनी गौरवशाली है, कर्नाटक में नाथ संप्रदाय के इस मठ से किए जा रहे परोपकार भी उतने ही बड़े हैं। इसीलिए बीजेपी को नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े महंत योगी आदित्यनाथ से कर्नाटक में बहुत उम्मीद है। त्रिपुरा की तरह ही कर्नाटक में भी नाथ संप्रदाय को मानने वाले काफी संख्या में हैं। बीजेपी ने इस संप्रदाय के प्रमुख योगी आदित्यनाथ को मैदान जंग में उतारा है, ताकि आदि चुनचुनगिरी जैसे मठों से जुड़े लोगों की आस्था को वोट में बदला जा सके।